घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गुरुजी यही कहते थे कि वक्त में गधा भी तैयार हो जाता है, लेकिन सोच थिंकिंग जो है उससे आप अच्छे अच्छे तैयार लोगों को भी सही आप वो कर सकते हो। जो मेरे गुरुजी जब उस्ताद अलदरका खान साहब जी के साथ पहली बार डुएट में बैठे थे, खमासन प्रोग्राम होता था कलकत्ता में ऑडियंस के सामने, और उस्ताद अलदरका खान साहब बहुत तैयार बजाते थे और मेरे गुरुजी अपने हिसाब से, लेकिन कोई कम नहीं था। तो कॉन्सेप्ट बच्चों के मन में जो आज के डेट में आ रहा है ना कि बहुत तैयार बजाना है यार, बहुत स्पीड में बजाना है, वो नहीं। जो भी चीज़ बजा रहे हो आप उसका एक दायरा होना चाहिए, एक डिसिप्लिनरी बाउंड्री होना चाहिए, उससे बाहर कोई चीज़ नहीं होता है, और उस नियम के अंदर रह के आप फ्रीली कुछ भी चीज़ आप बजा सकते हो। तो लोग कहते थे कि हाथ का रखाव, ये रखाव, वो रखाव, तो मेरे गुरुजी कहते थे आप जब सोते हो तो आपका बॉडी अपने हिसाब से करवट लेता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो हाथ रखो तबला में उस दिन उस समय, जिस हिसाब से हाथ करवट लेना चाहेगा ले लेगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या चीज़ करोगे आप वो इम्पोर्टेंट है, वो जानना ज़रूरी है। वो जान के करो तो प्रॉपर, नहीं जान के करो तो इधर उधर भटक जाओगे, वही मेन चीज़ है। और बायां के लिए हमने जो किया था वो धागे के धागे धागे चल रहे था, धीरे धीरे ले लिया धागे के तबला लेके सो जाते थे ऐसे, सुखविंदर सिंह नामधारी सोते रहते थे, वही जिस कमरे में हम लोग गुरु शिष्य रहते थे, मतलब गुरु जी के घर में, उसी कमरे में वो भी रहते थे एक ज़माने में, सुना है। उस समय तो मैं तो कितना छोटा था, क्योंकि भैया ऐसे तबला लेके सोया जा करते थे, ये करते करते करते, और सोने के बाद भी माया नहीं गिरता था। तो वो कितना आप देते हो इसको, कितना प्यार करते हो, कितना उसको चाहते हो, वो चीज़ ऊपर है। और आजकल के डेट में तो पैसा कमाने का जरिया हो गया सब कुछ, और कौन कितना चाहता है उसका कदर तो ऊपर वाला ही कर सकता है, या तो गुरु का आशीर्वाद मिल सकता है। तो हम तो मन से चाहते हैं, और पैसा कमाना ज़रूरी है थोड़ा बहुत वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन जितना प्यार करते हैं, जितना इस जन्म में हुआ